الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلى الله عليه وسلم. हमारे गुरु डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं और ये हमारे चौथी या पांचवी क्लास से क्लास फेलो भी रहे हैं। ये हमेशा से अच्छे थे, हम अभी तक अच्छे नहीं हो पाए। सलवार पढ़ने पर मौजू गुफ्तगू आपके इल्म में है। मुकद्दस व मुतहर है इमाम ज़मान अलैहि सलातु सलाम हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अल महदी। और बार बार हमने तवज्जो दिलाई कि आप कौन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें खलीफा, 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम, और मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के पहले इमाम। और ये बात मैं तकरीबन हर कुछ दिन के बाद बयान करता हूँ कि हम इन्हीं की खिलाफत के कायल हैं, इन्हीं की इमामत के कायल हैं। यही हमारे खलीफा हैं, यही हमारे इमाम हैं। और किस एतबार से खलीफा है, किस एतबार से, आधे मिनट में चीज को क्लियर करूं कि अगर तसव्वुर किया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत को और उम्मत मुस्लिमा को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनके सक्सेसर हैं और उसी के लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में क्या, खलीफा। तो अहले मौला अमीरुल मोमिनीन और बाकी 11 आइमा यानी कुल मिला के 12, ये रसूल अल्लाह के जानशीन हैं, रसूल अल्लाह के खलीफा हैं, रसूल अल्लाह के सक्सेसर हैं। अब यही हैं, इसी मकाम पर हैं। जब उम्मत को आप साथ में देखेंगे तो अब नतीजा निकलेगा कि ये उम्मत मुस्लिमा के इमाम हैं, ये उम्मत मुस्लिमा के रहबर हैं, ये उम्मत मुस्लिमा के जो है इन्फेलेबल इमाम या इमाम मासूम। बस यही एक शख्सियत है, जब अशरफुल अंबिया को देखेंगे तो मनसब खिलाफत आएगा। हमारे खलीफा नहीं है वो, रसूल अल्लाह के खलीफा, रसूल अल्लाह के इमाम नहीं है ये, रसूल अल्लाह के लीडर नहीं है, रसूल अल्लाह के रहबर नहीं है ये, हमारे बस यही है। इसको नबूवत को मद्देनजर रखें तो खिलाफत, उम्मत को मद्देनजर रखें तो इमामत। यही खलीफा हैं, यही इमाम हैं और यही हैं हुज्जत खुदावंद तबारक व तआला, क्योंकि हम इमामत को सिर्फ मनसब नहीं मानते, ये इनकी एक जिम्मेदारी है। आजकल जरा ज्यादा इस पर डिस्कशन चल रहा है कि इमामत सिर्फ हुकूमत 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 हुकूमत, ये एक चीज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त नबी भी थे, रसूल भी थे, उलुल अज़्म रसूल भी थे, साथ में खातिमुल अंबिया भी थे, और क्या थे साथ में, हाकिम भी थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी एक ही खसूसियत थी कि जी हाकिम थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आइमा अलैहिस्सलाम से हक हुकूमत को छीना गया है सिर्फ, न कि उन फजाइल को के जो अल्लाह रसूल अल्लाह ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद फलातर सलवा। अब अगर वो रहते उस मनसब पर तो उम्मत का फायदा था, उनका नुकसान कुछ नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है इंसानियत का।
इंसानियत बेशक। अभी इंसानियत को नुकसान कैसे हुआ, तो एक खास टॉपिक है जो सोशल साइंसेज में भी आता है और दीगर साइंसेज में भी आता है कि हर कुछ दिन के बाद जो उलूम की को मल्टीप्लाई किया जाता है इसके ड्यूरेशन में कमी आती है। मिसाल के तौर पर अगर अब हम गाड़ियां बनाना शुरू करें स्टीम से तो कितना साल हमें लगेगा यहां तक पहुंचने पहुंचने में टेस्ला तक। वाह 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 वाह। अब अगर किसी को आगे बढ़ना है तो कहा जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद वाला मसला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम दर हकीकत आए थे अहम तरीन काम के लिए, वो थी मारफत खुदावंद तबारक व तआला, और खुदावंद तबारक व तआला उनसे क्या चाहता है और जमीन पे कैसा निजाम चाहता है। उनका असल काम टेक्नोलॉजी था, वो क्यों उन्होंने ह्यूमन साइंसेस और बहुत सारी साइंसेस को बयान किया, लेकिन असल काम उनका ये नहीं था। काम उनका ये नहीं था, गो के किया। उसी में से एक अहम तरीन मौजू था मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के असरात। हर हर बूटी को हम खाते रहते तो मर चुके होते उसके नतीजे बताने से पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। यानी एक आदमी किताब लिखता उसके बाद कहता सारी बूटियां मैंने खाई, तो वो तो बूटियां खाते खाते चार मशरूम खाता मर जाता, क्योंकि मशरूम के बाद जहर वाले। असल में जो इल्म तिब आया वो अंबिया के जरिए से आया। पहली दफा इल्हाम हुआ कि इस बूटी में इस जड़ी बूटी में इस चीज में ये असर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इंसानों के लिए आया, बाद में इंसानों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन अंबिया का असल में ये काम नहीं था, वो के किया। आइमा अलैहिस्सलाम का भी ये काम नहीं है, और ये काम बहुत सादा काम है। असल काम है उसकी मार्फत के जो इस पूरी कायनात का खालिक है। और अंबिया की और आइम्मा की सबसे बड़ी फजीलत ही यही है कि सबसे ज्यादा उनको मार्फत है अल्लाह रसूल और अल्लाह और रसूल मोहम्मद अली की। रसूल अल्लाह और आइम्मा की सबसे बड़ी फजीलत ही है। अब यह कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने, बल्कि सबसे बढ़कर अशरफुल अंबिया ने, मौला अमीरुल मोमिनीन ने और बाकी आइम्मा अलैहिस्सलाम ने हर दौर में कुछ ना कुछ लोगों को मुख्तलिफ चीजें बताई, लेकिन उसके पीछे भी जो असल राज था वो ये था कि हम तुम्हें ये बता रहे हैं ताकि पहचान लो कि हम अल्लाह के खलीफा हैं। असल चीज यही थी। अब मिसाल के तौर पर एक मौजू के अगर आप देखना चाहें, हैदर टीवी में हमने कसस अलंबिया में डिस्कस किया था माहे रमजान में, पर हजरत आदम की खिलकत से पहले उसको डिस्कस किया था। ये मौजू इतफाक से मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगा, बहुत दफा इसको तो नहीं किया, एक दो दफा डिस्कस किया, अब मैं इसको और तफसील से डिस्कस करूंगा। वो है कि इस जमीन पे हजरत आदम से पहले भी मखलूकात थी, इस कायनात में बहुत सारी मखलूकात हैं। और हमेशा मैं कहता हूं कि एक लफ्ज जो मुझे पसंद है साइंसेस का, अब तो याद रखें कि जितनी चीजों का ताल्लुक है दुनिया के जितने उलूम हैं, तो जो मखलूकात से जिनका ताल्लुक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जियोलॉजी हो, यह सब मार्फत खुदावंद तबारक व तआला के टॉपिक है। लेकिन इन टॉपिक में सबसे ज्यादा मार्फत खुदावंद तबारक व तआला का टॉपिक क्या है, एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी के लिए एक मेजरिंग वर्ड में से एक वर्ड आता है, डिस्टेंस की मेजरिंग के लिए एक वर्ड आता है। क्लियर से ज्यादा मुझे इन तमाम साइंसेस में मार्फत खुदावंद तबारक व तआला का कोई वर्ड नजर नहीं आता, मुझे अपने ख्याल में इससे ज्यादा कोई नहीं। लाइट एयर क्या माना है, बात वालों कहते हैं सख्त बात हो गई, सख्त बात की आदत डालनी चाहिए। हमारे यहाँ जो मयार हो गया है कि मजलिस सुनने वाला 40 साल पहले और 40 साल के बाद एक ही मेंटल लेवल में है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मयार भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ आम अफराद का भी ख्याल रखना चाहिए। ना जबान ज्यादा सख्त हो ना मौजूद ज्यादा सख्त हो, लेकिन मिला जुला के चलाना वाकई मुश्किल चीज होती है। ये जो वर्ड है लाइट ईयर, इसके माना क्या है कि लाइट एक सेकंड में ट्रेवल करती है 1,86,000 और तकरीबन 800 समथिंग। इसको मल्टीप्लाई करें 60 से तो निकलता है कितना रिजल्ट, उसको मल्टीप्लाई करें तो एक मिनट बनता है, उसको एक मिनट को मल्टीप्लाई करें 60 से तो एक घंटा बनता है, उस एक घंटे को मल्टीप्लाई से तो एक लाइट डे बनता है, इसको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करें 360.8 और समथिंग से तब जाके निकलेगा 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इस वक्त भी जो बैठे हैं लिखना चाहें लिख नहीं सकते जब तक कि साइन यूज ना करें। वाह 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 वाह। और इस कायनात की वुसअत जो है
एक डिस्कशन अभी चल रहा है और बाज ऑब्जर्वेटरीज में कि कुछ सिग्नल्स मिले हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो 7 मिलियन लाइट ईयर के फासले से आए हैं। अब डिस्कशन ये है कि ये मखलूकात ने जब ये सिग्नल भेजे थे 7 मिलियन लाइट ईयर तो आते में लग गए, ये खुद मौजूद भी हैं या खत्म हो गई हैं? सुभान अल्लाह, सुभान नारे लगा है टाइम, ये तो आने में लगा है, आते आते। लिहाजा एक सुपरनोवा वाला भी मौजूद जो आता है वो यही आता है कि बाद सितारे जो नजर आते हैं वो सितारे नहीं होते हैं, वो एक लाइट होती है जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले सितारे खत्म हो चुके हैं, लाइट अभी आपने देखी है, लाइट अब पहुंची है, वो खत्म हुए भी उनको मिलियनों साल हो चुके हैं। इस कायनात का जो मालिक है वो अल्लाह है, उसने रसूल अल्लाह को तमाम आलमीन के लिए अल्लाह। जो हमने कहा कि सबसे बड़ा इल्म जो है इस वक्त याद रखें, जितनी भी साइंसेज हैं, सबसे बड़ा इल्म है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी अलग है, ये हमारे पास पुलसन वहाबी और ये लोग एस्ट्रोनॉमी और लॉजी में फर्क नहीं कर पाते, वो अलग ही अलग है। इस तमाम कायनात का जो खालिक है वो अल्लाह सुबहाना हुआ ताला है, और इस तमाम कायनात के लिए उस अल्लाह ने अशरफुल अंबिया को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। उस रहमतुल लिल आलमीन की जान और नफ्स का नाम है अली इब्न अबी तालिब। उस रहमतुल लिल आलमीन के खुलफा ये 12 हैं कि जिन पर जुल्म किया गया, जो हिदायत का मरकज हैं, जो तमाम कायनात के लिए रहमत हैं, चिराग हैं, नूर हैं। अब आप तसव्वुर करें कि तमाम यूनिवर्स को तसव्वुर में लाएं और मुतमईन हो जाएं कि अब तक कुछ लोगों ने दावा किया है, भी एक साल पहले फिगर में भूल गया, तकरीबन 700 7000 मुमकिन है गलती हो, हार्ड ड्राइव इस्तेमाल हुई है, दावा किया है मिल्की वे की फोटो खींचने का, मल नहीं है, सिर्फ मिल्की वे की फोटो खींचने का, क्योंकि कोई भी टेलीस्कोप इस वक्त पूरी कायनात को नहीं देख सकता। अब जब कभी अल्लाह को सजदा करना हो तो ये सोच के करें तो वाकई एक लुत्फ आएगा कि वो अल्लाह क्या है। और सबसे बड़ी जो मार्फत है वो यही है कि उसको कोई पहचाने। ये हमने मिसाल क्यों दी, ताकि पता चले कि रसूल अल्लाह किसको पहचानवाने आए थे। और मजहब कैफिया की अहम तरीन चीज है, हम लोग बार दफा कह देते हैं कि रसूल अल्लाह को मौला अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह की मार्फत है, हाँ वहां पर जो असल बात है रिवायतों के हिसाब से सबसे ज्यादा मार्फत है, मुकम्मल मार्फत इनको है या नहीं है, बाद मोमिनीन नाराज हो जाएंगे, याद रखें मुकम्मल मार्फत इनको भी नहीं है, और रिवायत में यह है कि इस मार्फत का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मुकम्मल मार्फत किसी को भी अल्लाह की नहीं हो सकती क्योंकि वो लामहदूद है, ये तौहीन नहीं है आइमा की, ये असल शीरत है। ये अगर ये मान लिया जाए कि रसूल अल्लाह या मौला अली ने जैसा कि अल्लाह है पूरा का पूरा पहचान लिया तो महदूद हो गया। हमारे यहां क्या है कि वो जो मार्फत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी अब वो नहीं है, हर लहजा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, वो खुदा कभी भी खत्म होने वाला और महदूद नहीं है। ये राज था कि जो आइमा उसके लिए कुर्बानी देते थे, ये राज था जो शहदाए करबला में कोशिश थी कि पहले हम चले जाएं, क्योंकि इश्क खुदा था, तो वाकई करबला दर हकीकत इश्क खुदावंद तबारक ताला है। अब आपको ताज्जुब होगा कि एलियंस वगैरह की गुफ्तगू इस वक्त हम नहीं करेंगे, हमने बाज़ जगह की है पहले, ये पूरे रिकॉर्डेड भी है, और बाज़ हमारे उलमा अहले सुन्नत के खुदावंद तबारक ताला उनके इल्म में इजाफा फरमाए, बाज़ ने शियों की तकफीर एक इस वजह से की कि ये कायल है कि जमीन पर पहले भी मखलूकात थी, कि जी शिया काफिर है, क्यों काफिर है, कि जी वो कायल है कि जी जमीन पे पहले भी हजरत आदम थे। आज साइंस ने साबित कर दिया है कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले के जो फॉसिल्स मिल रहे हैं बाज़ लोगों के, वो इन हजरत आदम से उनका ताल्लुक नहीं है कि जिनसे हम, लिहाजा रवायात अहले बैत में है कि इन हजरत आदम से पहले आदम, इन हजरत उन से पहले आदम, उनसे पहले आदम, और बाज़ जगह रवायतों में है कि हजार दफा भी पूछोगे तो हम यही कहेंगे। ये एक प्लेनेट की बात हो रही है, एक प्लेनेट की, एक प्लेनेट की, और
जगह की बात नहीं हो रही। ये वाली मार्फत हमें तवक्को भी नहीं है कोई और दे, हमें तवक्को थी कि आइम्मा ही देते। और इस मार्फत को जब शियों ने बयान किया तो हम बिल्कुल मुतमईन है, हमें काफिर करार दिया गया, तुमको दे नहीं था क्योंकि तुम्हारा अक्ल शऊर इतना है, तुम जिससे वाबस्ता हो वो खुद कुछ नहीं है, क्या पिद्दी तो क्या पिद्दी का शोरबा। हम जिनसे वाबस्ता हैं तो हमारे पास उलूम भी उन्हीं के आए, वो के इन सदियों में उनको जलाया भी गया, बर्बाद आलिम ने एक किताब के लिए बात। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो एक अहम तरीन सिफत है कि वो जब तशरीफ लाएंगे तो इन तमाम उलूम को क्या करेंगे, रवायात में नकल हुआ कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त तमाम उलूम होंगे 2 अरबी के अल्फाबेट के बराबर, और बाकी के बराबर, बाकी की तादाद के बराबर वो इजाफा फरमाएंगे। तो अरबी में यह 27 या 28 आम तौर पर कहा जाता है, तो 28 मान लें ताकि जरा राउंड फिगर हो जाए, तो 26 उलूम 26 हर्फ के बराबर इमाम ज़मान आते ही तमाम साइंसेस को तरक्की अता फरमाएंगे। कितना हो जाएगा, यानी 1300%, 1300%, 13 गुना जो है इल्म इमाम ज़मान आते ही बढ़ाएंगे। ये लोगों का हक होगा उनसे सवाल करेंगे जी इकोनॉमिक्स में हमें ये वाला प्रॉब्लम हुआ, एकदम से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स खराब हो गई, कहां पे प्रॉब्लम था? ये उनकी जिम्मेदारी है, वो साबित करें एक बैंकर को कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम यहां पे था, क्योंकि मौजजा जो है वो फकत ये नहीं है ये कर दिया कि वो कर दिया। हर आदमी को हक होगा कि उनसे सवाल करे, और अगर वो दावा करते हैं और खत्म करते हैं और सही करते हैं कि हुज्जत खुदावंद तबारक व तआला है, तो उनको उसका जवाब देना होगा। और अगर जवाब दिया कि खत्म देंगे तो जिसने सवाल किया है उसको उनको मानना चाहिए, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं माजल्ला के ऐसा नहीं है तो फिर उसको हक है कि वो ना माने, उसको हक होगा कि ना माने इमाम ज़मान, उसको हक होगा कि कहे कि ये होंगे होंगे, फिजिक्स में कुछ नहीं है। यही वजह है कि कहा जाता है कि जब आइम्मा अलैहिस्सलाम से सवाल होता है तो ये जो मुख्तलिफ उलूम बयान किए हैं खुसूसन इस जुमरे में बयान किए हैं कि जब कोई आया उसने सवाल किया तो इमाम की जिम्मेदारी उसे कंफ्यूजन को दूर करें, उसके जहन में यह है कि भाई मैं तुम्हें हुज्जत खुदा जब मानूंगा तो मेरी बात को क्लियर करो। या जैसा कि हमने बताया कि बहरे तिब्रिया, तिब्रिया सीन के जो इस वक्त लेक की सूरत में है, फलस्तीन या इसराइल, इसराइल को कि हम नहीं मानते उसे, फलस्तीन में है, वहां से तौरात के नुस्खे निकालेंगे, ताबूत सकीना को निकालेंगे, उसके बाद जबरदस्ती नहीं कहेंगे मानो, उसको एज इट इज आके यहूद के पास देंगे, वो उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद एक बहुत बड़ी तादाद कहेगी कि हाँ ये यही है। तो इमाम तमाम उलूम को मुकम्मल फरमाएंगे, हुज्जत को तमाम फरमाएंगे, और यही वो चीज है कि जो सबसे बड़ी फजीलत है आइम्मा अलैहिस्सलाम की कि वो इबाद और रहमान हैं, और उस रहमान के जमीन में इल्म के खुजान हैं, खजानदार हैं। अब ये वाली तवक्को हमें किसी और से है भी नहीं, तवक्को गलत है, बाद वाले कहते हैं उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास इल्म होना भी नहीं चाहिए था। वाह भाई वाह वाह वाह, लेकिन हमारे कबला ने जो अशआर पढ़े जौहर साहब के थे, किसके थे वाकई, नहीं जो भागना था तो आते ही नहीं। वाह वाह, इंसान बता देता कि हम डरपोक हैं, हमें भी जहमत में डाला खामा खाई में, यानी आज भी फौजी से यही कहा जाएगा, फौजी कहता है मैं नहीं भाग सकता, मेरी कमर में दर्द है, जूते में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो कहा जाएगा बड़ा अच्छा किया, नहीं लड़ सकते, अच्छा किया बता दिया, बाद में तुम भागते प्रॉब्लम होती, क्योंकि इससे क्या होता है कि फौज का सारा हिसाब किताब जो कैलकुलेशन है खराब हो जाता है, पता चला जी हमारी फौज में अक्सर जो है कमर के दर्द के हैं, तो फिर तो हमें सोच के जंग करनी चाहिए। वाह
का दर्द फिजिकल है, कुछ के अंदर एक और दर्द होता है बुजदिली का दर्द, तो वो पहले ही पता चल जाए, जब पहले ही पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले तो ये इमाम की जिम्मेदारी है, और ये बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना है, लेकिन खौफ खाना है। खौफ कौन सा नहीं खाना है? वो जल्लाद वाला खौफ नहीं खाना है, माशाल्लाह। वो हुज्जत तमाम करेंगे, हम में से भी हर किसी का हक होगा कि उनसे कहे कि हम नहीं मुतमईन हैं। फर्ज करें कि हमें यकीन नहीं आ रहा तो कहेंगे जबरदस्ती, बिलाखिर हुज्जत तमाम होगी, कोई भी रायत में ना। अलाइम ज़हूर में से एक मौजू के इसको आप बैठ के अगर सर्च भी करें, और इसको हम बाज़ चीज़ों को हम इस वजह से बता रहे हैं कि बाज़ चीज़ें अनकरीब जो है मुमकिन है पूरी दुनिया में जो है वो एक धमाके का, धमाके से क्या मुराद, एकदम से चेंज का सबब बनेगी। अलाइम ज़हूर में से एक अलामत है और वो है यदुन तत्लाउ फिस समा, कि आसमान पर, माज़रत, कफ़ुन तत्लाउ फिस समा, कि आसमान पर एक हथेली जाहिर होगी। अब यहां पर आप लोग अगर देखना चाहें बाद में तो पूरी सीरीज है अलाइम ज़हूर की, उसको जरूर देखें क्योंकि उससे ईमान पुख्ता होता है, तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है, क्योंकि हमने उसको डिवाइड किया है जमीन और आसमान में नजर आने वाली निशानियां, पूरा एक अलग चैप्टर है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया है कि यह समा से क्या मुराद है। समा से दो मुराद हो सकती है, समा जो कुछ है यह समा है, समा ऊपर नहीं है, याद रखें ये जितना इर्द गिर्द सब समा है। जमीन पर है, कशिश सकल है, जमीन घूमती है, तो हम हमेशा जो है वो हमें ऊपर नजर आता है वो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि उधर भी झांक के देख सके तो वहां भी समा है, क्योंकि जमीन गोल है, इधर भी समा है, इधर भी समा है, इधर भी समा है, जमीन जो है वो गर्दिश में है, तो आसमान पे नजर आएगा, लेकिन कौन से आसमान पे नजर आएगा, जो इसको अहले जमीन देख सके। उमूमन अब यहां पर डिस्कशन ये खुद हमने किया क्योंकि रवायत में तो नहीं है, यानी ये ऐसा नजर आएगा कि सब देख सके, या ऐसा नजर आएगा कि लोग देख सकें चाहे टेलीस्कोप से और चाहे फिर कोई एस्ट्रोनॉमिस्ट हो या जैसे नासा वगैरह वो दिखाएं कि ये वो देखो नजर आ रहा है। तो अब आपको ताज्जुब होगा कि मुमकिन है कि रवायत में हो कि हाथ इसी दुनिया में नजर आए कि जो हम नेकेड आई से देख सकें। ये जो बाज दफा लोग बातें करते हैं कि जी अब तो दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई है, चांद का हिसाब हो गया है, जब भी कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि अपनी बहुत ही कम इल्मी की बात कर रहा है। वजह यह है, याद रखें कि ये जितनी कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी है, सिर्फ अब ये काम मशीनों से हो रहा है जैसे कैलकुलेटर से, ये कैलकुलेशन बहुत पुराना है। हत्ता ये जो कैलेंडर चल रहा है इस वक्त ग्रिगोरियन, इससे पहले चल रहा था जूलियन, जूलियन कैलेंडर में मिनटों का फर्क था और उस फर्क को ग्रिगोरियन वालों ने पकड़ लिया था पहले, इसी वजह से ग्रिगोरियन आया था। इतना सादा ना समझें कि पहले हिसाब किताब आसान था, इतना सादा ना समझें कि पहले दुनिया अलग थी, ये खुद अलग डिस्कशन है, पहले की अलग हिसाब किताब थे, अलग टेक्नोलॉजीज थी, टेक्नोलॉजीज की सूरतें बदली हैं। इससे पहले हजरत आदम वालों में कौन सी टेक्नोलॉजीज थी वो अलग मौजू है। बाज दफा में खुद अपनी आंखों को खोलने के लिए सारी चीजों को देखता हूं तो आपको ताज्जुब होगा, बास टेक्नोलॉजीज जो इंडिया के मंदिरों में इस्तेमाल हुई हैं वो आज जदीद लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें से एक सादी सी चीज बताऊं, एक ऐसे फूल हैं बास मंदिरों में बने हुए कि आप ऐसे देखते 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 कहीं तो कोई बर्बाद नहीं, छोटे छोटे फूल, इतने इतने से फूल, लेकिन डिस्कशन ये आता है कि ये रॉक जो है वो बहुत ही हार्ड रॉक है। एक बात, उसमें ये फूल बनाए गए हैं, बड़ी सादी बात, उन फूलों के अंदर जो बीच की समझे बेस होती है जैसे पत्तियां लगी होती हैं वो ऐसे निकली हुई है, ये भी बड़ी सादी बात। उस हर उस बीच की जो चीज होती है
उसके अंदर एक सुराख है, बड़ी सादी बात, लेकिन हर सुराख जो है वो ऐसे घुमा हुआ है, इस पे अकल हैरान है। वो सुराख सीधा नहीं है, वो सुराख देख के लोग सादगी से गुजर जाते हैं, लेकिन जिनके पास अक्ल व शऊर है कहते हैं कि ये सुराख आज की टेक्नोलॉजी से भी मुमकिन नहीं, ड्रिल से आज भी मुमकिन है, क्योंकि वो सीधा होता है, वो ऐसे करके यूं घुमा हुआ है, उसकी सारी खसूसियत यही है, यूं घुमा हुआ है। अकल हैरान सुराख पे नहीं है, अकल हैरान उस हार्ड स्टोन पर इस फिर सुराख पे है। बाज मंदिरों की इब्तिदा जो है जमीन से नहीं हुई है, ऊपर से हुई है, वजह क्या है कि रॉक को काट के ऊपर से नीचे आए, वो टेक्नोलॉजी थी ना, समझो उस जमाने के इंसान बिल्कुल बेकार थे, मुख्तलिफ तमद्दुन थे, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज थी उनके पास। अहराम मिस्र के बारे में आज भी लोग परेशान है, ये पत्थर कैसे आए, ये पत्थर अच्छा आए या बनाए, एक ये भी थ्योरी है, इतने परेशान है कहते हैं एलियंस का शायद ताल्लुक है, इतना सादा ना समझे, ये तमद्दुन गुजरे हैं, बहुत अहम तमद्दुन गुजरे हैं। और उन तमाम तमद्दुनों में जो एक रीढ़ की हड्डी का काम होता था वो अंबिया फरमाते थे, जैसे कि अहराम के बारे में डिस्कशन है कि हजरत इदरीस का ताल्लुक है उससे, उस टेक्नोलॉजी से, ये खुद गलत मौत हुआ। लेकिन हर दौर में अंबिया अलैहिस्सलाम इन कामों को अंजाम देते थे, ये एक जमीनी गुफ्तगू। अब यहां पर मौजू चल रहा था कि कफ़ुन तक़लऊ फ़िस समा, एक हथेली जाहिर होगी कहां पर, समा, समा से क्या मुराद है, हमने डिस्कस किया, बिल्कुल नेकेड आइट से समा या पूरा समा, ये सब समा है, ये जो हमारा समा है वाला, फिर जो पूरा समा है ये जो टेलीस्कोप से नजर आए, ये फिर हमारा पूरा समा सोलर सिस्टम का, अभी तो मैं नहीं अपना मसला हल कर पाए, ऐसे लाखों सोलर सिस्टम है हमारी मिल्की वे में, और ऐसे ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं इस पूरी यूनिवर्स में, तो ये हाथ नजर आएगा। अब आपको ताज्जुब होगा, अभी कोई देखना चाहे तो हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, देखे ताकि यकीन मौका हो अपनी आलोलाद को भी दे, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए राह हमवार होगी। आपको ताज्जुब होगा कि 2009 में नासा ने ऐलान किया कि आसमान पे एक हाथ नजर आया, लेकिन इस वाले आसमान पे नहीं, और उस हाथ का उन्होंने नाम, माजरत, एक हथेली नजर आई है, उस हथेली का उन्होंने नाम रखा है, आपको मिल जाएगी, द हैंड ऑफ गॉड, हैंड ऑफ गॉड, वो पूरी ऐसी नहीं है, तकरीबन ऐसे है वो, जैसे ऐसे, और वो जो पूरी है गैलेक्सीज से मिलके बनी है, छोटी मोटी चीजों से नहीं मिलके बनी, वो मजमुआ है गैलेक्सीज का और दर्जन किस्म की गैसेस का और उसका, द हैंड ऑफ गॉड, ये रिवायत में नकल हुआ, कफ़ुन तत्लाउ फ़िस्समा, एक पंजा, एक हथेली जाहिर होगी समा, दोनों समा मुराद हो सकते हैं, फिर अर्ज करें ये समा भी और जो नासा वालों ने बताया, तो ये जहन में रखें, खाली बातें हमें तवक्को नहीं है, कोई और बताता दुश्मन अहले बैत, जिनके लिए मेराज ही ऊंट की मैंगनी बनना हो, किसी की महराज ऊंट की मैंगनी बनना, किसी की महराज इंसानी निजासत बनना, हमें क्या तवक्कु किसी से, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। असल मौजू यह है कि हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहना चाहिए, ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, और आलाए ज़हूर पर दिक्कत करनी चाहिए कि दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं और एक नया दौर आने वाला है, अभी आएगा 100 साल बाद, 2 साल, 200 साल के बाद, नहीं आने वाला, ये जो दुकानदारी चल रही है अभी होने वाला है ये हो जाओ, ये भी गलत है, क्योंकि नहीं होगा तो लोगों के मन खराब हो जाएंगे। आइमा अलैहिस्सलाम का हुक्म यह है कि मुअय्यन न करो टाइम, ये कहो कि होगा, होगा जरूर होगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद होगा जरूर। अब इस दौरान जो याद रखें सबसे अहम काम है, पहले मरहले में अल्लाह रसूल और आइम्मा से ताल्लुक, अमल का मामला बाद में है, पता नहीं, अब
کوئی کہے گا ہم مولوی نے بیٹھ کے عمل کی مخالفت کر دینا, عمل کا معاملہ آتا ہے عقیدے سے, ہم نہیں کہہ رہے عمل نہ کریں. سبحان اللہ, عقیدہ صحیح ہے, آئمہ اہل البیت علیہم السلام سے تعلق ہے, تو اب آئے گی نوبت عمل کی. عمل ہمیں ان سے لے کے کرنا ہے, نہ کہ ادھر ادھر سے لے کے کرنا ہے. لہذا جب کوئی چیز ملے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ڈسکریج کرنا چاہیے. جب کوئی کہے کہ جی یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو, تو ہمیں فوراً پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز علماء اہل بیت سے ملی ہے, آئمہ کے ذریعے سے, یا کسی پیر مرید سے. کوئی چیز, حتیٰ اللہ کے ناموں کی تعداد بھی کوئی پیر بیان کرے تو کیا کریں, نہ پڑھیں. آپ کہیں یا اللہ کہوں گا لیکن تیرے بتائے ہوئے عدد پہ نہیں کروں گا, میں اس عدد پہ کروں گا جو ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے ملا ہے. ہمیشہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس سے کیا مراد؟ عبادات کرنی ہے, کام کرنے ہیں, وہ جو ہمیں قرآن سے اور اہل بیت سے ملے. قرآن بھی وہ سمجھنا ہے کہ جو ہمیں اہل بیت نے سمجھایا ہے. اگر سادے طریقے سے قرآن کا ترجمہ کریں گے تو ممکن ہے کہ قرآن بجائے ہدل للمتقین کے, کیونکہ جب کو قرآن کو سمجھنا ہے تو متقین سے وابستہ ہوں گے, تب ہدل للمتقین کے. اور فہم قرآن ہمیں چاہیے کس سے؟ محمد وآل محمد سے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. آج کا دن جناب زینب کے فرزندوں سے منسوب ہے, تو بڑی تیزی سے کچھ تاریخی چیزیں بیان کریں جناب زینب اور ان کے فرزندوں سے ریلیٹڈ, پھر ایک دو موضوعات واقعا جو ان چیزوں سے مجھے تو عشق ہے سمجھ میں آتی. یہ حضرت زینب ماذا اللہ کوئی ان کو نہیں سمجھ سکا, یعنی ایک پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب کی کیا شخصیت ہے, اور جو معرفت حضرت زینب کی وہ ہمیں کسی سے توقع بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی توقع تو خدا ہی سے ہوگی, ہمیں رسول اللہ والی توقع صرف رسول اللہ سے, آئمہ والی توقع ہمیں آئمہ سے, اور جو آئمہ کے گھر کی ہستیاں ہیں وابستہ ہیں, ثانیہ زہرا کی توقع ہمیں انہی سے اور کسی سے. تو جناب زینب کی ایک معرفت پہلے ہی بیان کر دوں تو کہیں ذہن سے نہ نکل جائے. 11 محرم یاد رکھیں, عاشور سے زیادہ سا, روز عاشور سے زیادہ سا کیا تھا؟ عصر عاشور. عصر عاشور سے زیادہ تھا شام قریب, اور پھر اگلا دن جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ 11 محرم. اور پھر مصائب الگ ہیں. 11 محرم کو بڑی تیزی سے بتاؤں, اسے انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ بیان کروں گا. 11 محرم کو جو قافلہ گزارا گیا ہے مقتل سے, تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. اب سب کی ہم تفصیل نہیں بیان کرتے, فقط حضرت زینب کو فوکس کریں, جن کا آج دن ہے, جن کے بچوں کا دن ہے. بچوں کا دن کہا جا سکتا ہے لیکن کہا جائے حضرت زینب کے دن ہے. حضرت زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے جسم اثر پہ گرا کے کیا کیا؟ اب بعض دفعہ میں کہتے ہیں ہاتھوں میں لے لیا, نہیں ہاتھوں میں لے لیا لیکن ایسے نہیں لے لیا, جو مقتل سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو گرا دیا. گرانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے جانا بے لیا ضرورت تھوڑی جو ایسے لے لیا, لیکن ہاں ہاتھوں میں لے لیا. وہ کیسے لے لیا ہوگا کہ اپنے آپ کو جناب زینب نے امام حسین کے جسم اثر پہ گرا دیا, گرانے کے بعد کیا کیا؟ اس طرح سے ہاتھوں میں لے لیا. یہ سمجھ میں آتا ہے, یہ پوسیبل ہے. اس طرح سے ہاتھوں میں لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا فرماتی ہیں؟ الہی تقبل منا قربان القلیل. جس نے سب کچھ قربان کر دیا وہ اللہ سے دعا فرما رہی ہیں, دعا, یا اللہ تو یہ قربانی نہ, یہ قلیل قربانی قبول. یہ وجہ کس کیا ہے؟ کہ حضرت زینب کو اللہ کی معرفت ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے تو ہماری روایتوں میں, کیونکہ وہ اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے, ان سے بہتر عبادت نہیں تھی, لیکن اللہ کی اتنی معرفت تھی وہ اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے, لہذا فرماتے تھے انی لا استغفر اللہ 70 مرہ, میں ہر روز اللہ کی 70 دفعہ یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہوں. ان کو اللہ کی معرفت تھی,
और वो जानते थे कि अल्लाह की मार्फत का कोई हक अदा नहीं कर सकता, लिहाजा इरशाद हुआ क्या हदीस में, वमा अरफनाक हक मारफते, या अल्लाह हमने तेरी मार्फत का हक अदा नहीं किया। ये कौन फरमा रहा है? रसूल अल्लाह। वमा अबदनाक हक इबादतेक, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। वजह क्या है कि उनको इतनी मार्फत है, इतनी मार्फत है, इतनी मार्फत है, इतनी मार्फत है कि वो कहते हैं कि उसका हम नहीं हक अदा कर सकते, जबकि उनसे बेहतर कोई इबादत भी नहीं कर सकता। तो जनाब ज़ैनब की यह मार्फत कि सब कुछ लुटा के, सर पे चादर नहीं है, मखना नहीं है, लाशें बयाबान हैं, अब इनको असीर किया जा रहा है, असीर कर दिया गया है, तभी तो गिरे हैं ऊँटों पे से। और फरमाती है इलाही तकब्बल मिन्ना क़ुरबान अल-क़लीम, या अल्लाह तुझसे मुख्तसर सी कुर्बानी। अब आप तसव्वुर करें, हजरत ज़ैनब ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसको? अपने भाई को, इमाम वक्त को, लेकिन फरमा रही है मुख्तसर, और उसके लिए भी दुआ वाला लहजा है, कोई माज़ल्ला अकड़ वाला लहजा नहीं है, कोई एहसान वाला लहजा नहीं है, दुआ कबूल कर दो। ये दिन है उनके बच्चों से मंसूब। अब तेजी से बताएं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के चार बेटे थे। फौरन बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं नई नई बातें, नई नई बातें नहीं आ रही, घरों में आपकी होगी क्या 14 सितारे? 14 सितारे खोले तो इमाम हुसैन का चैप्टर, इमाम हुसैन के चैप्टर के बाद हजरत ज़ैनब का चैप्टर। एक दफा मैंने डिस्कस किया कि हजरत ज़ैनब के चक्कर में जाके देखा तो नहीं था, अरे मैंने कहा देखा तो था, मैंने जिस पे लेक्चर बनाया, तो हजरत ज़ैनब के बाद है हजरत उम्मे कुलसूम का चैप्टर। हजरत यानी हजरत ज़ैनब के बच्चों का जिक्र कहाँ होना चाहिए, लेकिन वो हजरत उम्मे कुलसूम के जिम्मे है। और 14 सितारे बड़ी अजीम किताब है, याद रखें, अल्लाह मौलाना करारवी साहब के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए, फिर उसमें है ना, कहीं कोई नई बात आ गई। जनाब ज़ैनब के चार बेटे थे, मोहम्मद, ओन, अली और अब्बास। दो कर्बला में शहीद हुए, एक से नस्ल नहीं चली, अब्बास से। इल्मुल अंसाब में एक जिक्र आता है कि अली की नस्ल चली थी, लेकिन बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हुई। अली ये ज़ैनबी की नस्ल इस वक्त जो जिक्र मिलता है, और अब ये चीज देखे खुल खुल के आगे आ रही है, आपको ताज्जुब होगा, अली ज़ैनबी की नस्ल अब कहां से निकली है, पूरे के पूरे कबीले मौजूद हैं कहां पर? अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में, मोरेतानिया और सूडान में। और वही कबीले तदरीजन नफ्सियत की जाने वाले हैं, सेनेगाल में भी हो रहा अली ज़ैनबी। तो जिनमें से दो हुए कर्बला में शहीद, एक बेटी थी जिनका नाम था उम्मे कुलसूम। जनाब ज़ैनब के दो बेटे शहीद हुए, एक दामाद शहीद हुए, खुद उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी दी, और बेटी का नाम था उम्मे कुलसूम, उन्होंने शौहर की कुर्बानी दी, और उनके शौहर का नाम था कासिम इब्न मोहम्मद इब्न जाफर तैयार। एक कर्बला में थे जनाब कासिम इब्न हसन, एक कर्बला में थे जनाब कासिम इब्न मोहम्मद इब्न जाफर तैयार, यानी जनाब ज़ैनब के दामाद। अब ये जो जनाब ज़ैनब के दामाद थे, ये कौन थे? उनके शोहर के भाई के बेटे। ये थे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बेटी, और शादी हुई इनकी कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार। जाफर तैयार के तीन बेटे थे, अब्दुल्ला, ओन और मोहम्मद। मोहम्मद के बेटे थे कासिम, कासिम से शादी हुई, यानी दोनों चचा के और ताया के बेटी बेटा थे। और इनकी शादी के बारे में अगर आपको तफसील देखनी हो, क्योंकि बाज़ दफा अच्छा रेफरेंस देने का फायदा ही होता है, तो रेफरेंस की आदत हो, दूसरी बात हो जाता है कोई ऐसा रेफरेंस हो जो मौजूद हो मार्केट में और आपके रीच में हो और आपकी जबान में हो, मुश्किल ही हो जाती है बाज़ दफा, वरना ये और किताबों में भी है। एक बड़ा अच्छा मक्तल है अल्लामा तालिब जौहरी साहब का, खुदावंद तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उसका नाम है हदीस करबला। हदीस करबला खोले तो वहां पर ये मौजू आपको मिल जाएगा। तो वहां पर यह मौजू है कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार का, और कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार के मौजू में एक वाकया है कि मुआविया ने रिश्ता भेजा था यजीद का, किसके लिए? जनाब ज़ैनब की बेटी के लिए। किसके हाथ से भिजवाया था? मरवान हबीस कबीस के जरिए। और उसके बाद कहा, पूरी तवील तवील रिवायत है, ये आप जाके वहां पढ़ें, कि कहा कि जितना अब्दुल्ला आप पैसा चाहेंगे, मेहर चाहेंगे, मेहर रखा जाएगा, और जितने आपके कर्जे हैं हम कर्जे अदा कर देंगे। और ये जो इख्तलाफ है ये भी खत्म हो जाएगा,
जनाब अब्दुल्ला बीमारी की वजह से कर्बला नहीं गए, और लेकिन इमाम हुसैन के मुतीउ फरमा बरदार थे, उन्होंने ठक से कहा कि मेरे बच्चों का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। तो मरवान के लिए, मुआविया के लिए जैसे कहा जाए बड़ा जबरदस्त किस्म का अटैक था, कहां है इख्तियार जो हुसैन के पास। मरवान आया इमाम हुसैन के पास और ये सब कुछ बयान किया, और उसमें कहा भी कि यजीद की कोई मिसाल नहीं, एक बात, और क्या फजीलत पड़ी कि उसका चेहरा देख के दुआ की जाती है बारिश की, पैसा, और क्या कहा कि अगर ये शादी हो गई तो एक बहुत बड़ी तादाद वो होगी कि जो आप लोगों पर गिप्ता करेगी, क्या मुराद आप लोगों को खुशकिस्मत कहेगी कि इतना बड़ा काम हो गया, और एक कलील तादाद होगी जो यजीद को कहेगी कि ये खुशकिस्मत है। समझे क्या मुराद है, यानी आपकी फजीलत हो रही है, कहते हैं उनकी वो फजीलत नहीं है उसमें। इमाम हुसैन सलाम ने कहा कि ये वाला मौजू हम सब जमा होंगे, इज्तमा होगा वहां रिश्ता लेके। अब यहां पर सब बड़े जमा हुए, खुसूसन बनी हाशिम के और बाज बड़े बड़े, अब ये मरवान आया। अब याद रखें कि तीसरे यानी जनाब उस्मान के कत्ल का जो एक वजह थी वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान को और उसके बाप को यानी हकम को इस पे लानत भेजी थी और कहा था कि इनको कभी मदीने में ना आने देना, निकाल दिया था, ना पहले खलीफा की जरूरत हुई ना दूसरे की जरूरत हुई इस मरवान को बुलाने की। मरवान सगा चचा था तीसरे खलीफा का। उन्होंने पावर में आते पहला काम यह किया कि हकम को बुलाया, उसे पावर दी, उसके बेटे मरवान को पावर दी, और हुकूमत सारी उसके हाथ में चल रही थी। तो ये एक एतराज था, यही मरवान आया, बस सोचे कैसे मरवान दन दनाता फिर रहा है, और फतक भी इसको दे दिया, शायद हमने कल भी डिस्कस किया था। अब इसने ये सब कुछ अपना दुखड़ा रोया तो इमाम ने उस सारे सवाल को नहीं बयान करते, इमाम ने फरमाया पहली बात ये कि ये जो हमारा और तुम्हारा इख्तलाफ है ये अल्लाह के लिए है, हम कहते हैं सदक अल्लाह, तुम कहते हो कदब अल्लाह, हम अल्लाह की वहदानियत के और सदाकत के कायल हैं, तुम अल्लाह पर तोहमत लगाते हो, हमारा तुम्हारा इख्तलाफ अल्लाह के लिए है। दूसरी बात, और मेरी शादियों से नहीं खत्म होता, दूसरी बात, हमने कब अपनी कोई लड़की दी है कि जिसका महर जो है, हम तो रसूल अल्लाह के सुन्नत महर से आगे नहीं बढ़ते। और बाद का बयान होता है 480 दिरहम, ये कैलकुलेशन का फर्क आता है औकिया की वजह से, ये रवायात में औकिया है, औकिया 500 दिरहम बनते हैं या 480, ये डिस्कशन है, तो असल मौजू है औकिया वाला, तो हम तो नहीं रखते इससे ज्यादा अपनी बेटियों का महर। फिर ये कि हम में से किसके कर्जे अदा हुए हैं बेटियां देके, तो जब हम ये एक बेटी दें तो फिर बाप के कर्जे अदा होंगे। तो ये जो तुमने कहा कि यजीद का चेहरा देख के बारिश के लिए दुआ होती है, सिर्फ रसूल अल्लाह है, और देखे रसूल अल्लाह वाली सिफत जो जमाने में मशहूर थी यजीद को दी जा रही थी, और उसी महफिल में, जाहिर पहले से बात हो चुकी होगी, उसी महफिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, इसको तो वादे कहा जाओ निकलो भाई, और उसी महफिल में ऐलान किया कि मैं उम्मे कुलसूम का अक्द कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार, ये कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार इमाम हुसैन के बड़े चहीते थे, इमाम हुसैन से बड़े करीब थे, उन्होंने फरमाया मैं उम्मे कुलसूम का निकाह कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार से करता हूँ, और इसकी जानिब से महर मैं दूंगा, और वादी अतीक के पास एक पूरी जमीन है कि जिसकी सालाना तकरीबन बयान हुआ कि कई हजार दीनार आमदनी है, वो इन दोनों गिफ्ट के तौर पे देता हूं ताकि अपनी जिंदगी इससे गुजारे। और उसी महफिल में जनाब उम्मे कुलसूम बिनते हजरत अब्दुल्ला या बिनते हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद के जरिए से, किससे, जनाब हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार से। यह हमने कुछ हिस्ट्री बयान कर दी, बातें मसाइब की जानिब, तो ज़ियारत नाहिया के जुमले हैं कि जिससे जनाब हजरत अब्दुल्ला की फजीलत बयान हो जाती है, तो
तो वो बयान करें फिर ताकि मसाइब की जानिब आए। और इसको बयान करने का असल हमारा हदफ ये था कि जनाब अब्दुल्ला पर भी अटैक अब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने किया है, हजरत मुख्तार के बाद अब उनकी बारी आई। अस्सलाम अला औन इब्न अब्दुल्लाह, ये सलाम फरमा रहे हैं ज़ियारत नाइया में जो मंसूब है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से कि सलाम हो आप पे ऐन औन इब्न अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार। ये तैयार कहां पर हैं? यानी कसरत से उड़ने वाले, फिल जनान, जन्नत में कसरत से उड़ने वाले, हलीफुल ईमान, ये वो हैं कि जिनका मुहायदा है ईमान के साथ, यानी ईमान से जुड़े हुए, और नेक लोगों के साथ कराबत। ये तो फजीलत बयान हो रही है किसकी? औन इब्ने अब्दुल्लाह की, जनाब औन की। नासिहुन लिर्रहमान, रहमान के लिए नसीहत करने वाले, क्योंकि इन लोगों ने आखिर वक्त तक नसीहतें की, ये रहमतुल आलमीन की एक झलक थे। हर शहीद ने जाकर सबसे पहले नसीहत की है। अब अगर ये आप तसव्वुर करें कि इनका यानी हत्ता इमाम हुसैन आखिर वक्त में भी ये सवाल उठ सकता है, इमाम हुसैन नसीहत फरमा रहे हैं, नसीहत के दो रिएक्शन हो सकते हैं, कबूल और रद्द। फर्ज की बात है, फर्ज की बात, यहां से पता चलेगा कितने करीब हैं। फर्ज की बात है कि इमाम हुसैन आखिर में नसीहत करते हैं, सबके सब तरफदार हो जाते हैं, क्या होता? सब शहीद हो चुके हैं, फर्ज सब शहीद हो चुके हैं, इमाम हुसैन नसीहत कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे। फर्ज की बात है कि सब मान जाते कि जो हमने किया गलत किया, उमर साद आ जाता, शेमर आ जाता, कहते माफी चाहते हैं, क्या होता? ये इतने करीम हैं, ये सारे खून माफ हो जाते जैसे कि हुर माफ हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। ये नसीहत ऐसे नहीं कर रहे थे, हुज्जत तमाम की है। अन्नासुर रहमान अत्तालियो लिलमसानी वल कुरान, ये ऑन के फसाइल बयान हो रहे हैं कि तिलावत करने वाले हैं सूरह हम्द की और कुरान की। अब यहां पर क्या असर आ रहे हैं खुदा बेहतर जाने। इनका खास वर्द था सूरह हम्द का, और फिर इश्क था तिलावत कुरान से, वो सब को था। अब ये चीजें ऐसी हैं कि जो कोई नहीं समझ सकता। वान अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने क़ुतबा अन्नहबानी, ये खुदावंद तबारक व तआला की लानत हो अब्दुल्ला इब्ने क़ुतबा अन्नहबानी पर कि जिसने इन्हें कत्ल किया। अब ज़ियारत नाइया में आया अस्सलामु अला मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर अश्शाहिद अश्शाहिद मकान अबीही, कि सलाम हो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर पर कि जो अपने वालिद की जगह पर आए। और यहां से पता चलता है जो मकातिल में बाज़ जगह मिलता है कि जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी जानिब से फरजंदों को ले जाएं। और एक वक्त आया कि तारीख में मिलता है कि जनाब अब्दुल्ला के साथ किसी ने, जब वो गिरिया कर रहे थे इमाम हुसैन अपने बच्चों पर, तो किसी ने ये सोच करके बच्चों के बाप हैं, दो दो बेटे चले गए, तो जनाब अब्दुल्ला रो रहे थे उस वक्त, और किसी ने कहा ये सब कुछ हुसैन की वजह से हुआ, आग लगाने की कोशिश की, तो जनाब अब्दुल्ला ने उस रोते के आलम में जूता उठा के उसे मारा। तो अपनी जबान बंद रख, हुसैन के बारे में बात करता, ये उनका मकाम था। तो इमाम फरमाते हैं अशाहिद मकान अभी है अपने बाप की जगह, अपालियल अखी है अपने भाई के बाद आए, अलवाकी है वे बदन ही, और हुसैन का दिफा किया उनकी ढाल बने अपने बदन के जरिए से। वान अल्लाह कातिलहू आमिर इब्ने नहशल अत्तमीमी, कि लानत हो उसके कातिल, उनके कातिल आमिर इब्ने नहशल तमीमी पे। ये सिर्फ हमने इस वजह से बयान किया कि जनाब अब्दुल्ला का मकाम कोई सादा मकाम नहीं है। उन्होंने अपनी कुर्बानियों को भेजा, रिवायात में नकल हुआ कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मकातिल में बयान हुआ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जब रिश्ते के लिए मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब ज़ैनब से डिस्कस किया और कहा कि अब्दुल्ला का रिश्ता आया है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक शर्त लगाई। यहाँ पर समझना चाहिए कि मौला अमीरुल मोमिनीन जैसी ज़ात, बल्कि और पहले चले जाएं अशरफुल अंबिया जैसी ज़ात जनाब सैयदा से आकर गुफ्तगू फरमा रही है उनके लिए कि इनके अलावा किसी से अब्द नहीं हो सकता। अशरफुल अंबिया के नफ्स हैं, लेकिन अर्श में निकाह हो चुका है, जमीन में निकाह के लिए रसूल अल्लाह को भी हुक्म है कि दुनिया के कानून के मुताबिक तुम्हें जाके फातिमा से पूछना है,
सिर्फ बाप नहीं है, नबी हैं, अशरफुल अंबिया हैं, खातिमुल मुरसलीन हैं, अल्लाह सुभानहू व तआला की के हुक्म से गुफ्तगु फरमाते हैं, जनाब सैयदा के पास आके पहले पूछते हैं कि एनन यही कैफियत नफ्से रसूल की है कि जनाब जैनब के पास आके पूछते हैं, हुक्म नहीं दे रहे हैं, पूछते हैं कि अब्दुल्ला का रिश्ता आया है, कबूल है। जनाब जैनब शर्त लगाती हैं कि जब भी मेरा भाई शहर से बाहर जाएगा मैं उनके साथ जाऊंगी, अगर अब्दुल्ला को यह शर्त कबूल है तो मुझे भी कबूल। अब ये कितनी दफा शहर से बाहर गई नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि यह शर्त लगाई थी खसूसन करबला साथ जाने के लिए, और ये बच्चों को छोड़ के गई थी, ये भी जहन पर है, खुद गई थी, बच्चों को लेके नहीं गई थी। क्यों? बच्चे बाप के होते हैं। मेरा तुम्हारा मुआहदा हो चुका है कि हुसैन के साथ मैं जाऊंगी, अब तक नहीं गई, आज जाऊंगी, बच्चे तुम्हारे हैं, रखो। जब इमाम हुसैन मक्के से निकले तो दोबारा जो रास्ता कूफे की जानिब जाता है तो मदीने बिल्कुल यहां नहीं आते, बल्कि मक्के से कूफे जाने के लिए मदीने से पास से ऐसे होते हुए जाते हैं, तो यहां पर एक है वादी अकतीक, ये वही वादी अकीक है जहां पर जमीन थी इमाम हुसैन की, और वो कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार और उम्मे कुलसूम को तोहफे के तौर पर दी। इसी वादी अतीक में खेत था, इसी वादी अतीक से जब काफिला गुजरा तो जनाब अब्दुल्ला अपने दोनों बेटों को लाए और जनाब जैनब के सुपुर्द किया कि अब तुम लोग कूफा जा रहे हो, मेरे इन दो बेटों को भी साथ लेके जाओ, यानी कुर्बानी के लिए अपने दो बेटे दिए, कि जिनमें एक का जिक्र तो जियारत में आ गया कि बाप की जगह अब ये कुर्बानी जा रही है, लेकिन दो तो जनाब जैनब ही की जानिब से थे। अजरकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि जनाब जैनब रात भर बच्चों को तैयार कर रहे, तारीख में बच्चों की उम्र या शादियों के बारे में जिक्र नहीं हुआ, बहुत सारी किताबें हमारी खत्म हो गई, बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं हुआ, बहुत सारी रिवायतें ऐसी भी थी जो बीच में से गल गई, दीमक खा गई, लेकिन जनाब जैनब ने रात भर बच्चों को तैयार किया। अब याद रखें कि जनाब जैनब अपने बच्चों को कुर्बान कर रही हैं किस पर? भाई पर, ये भी सही है, लेकिन दर हकीकत अपने बच्चों को कुर्बान कर रही हैं फरजंदे रसूल पर, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी अपना एक बेटा तैयार किया है अपने बेटे पे से कुर्बान करने के लिए नहीं, अपने बेटे हुसैन पे से कुर्बान करने के लिए नहीं, अपना बेटा तैयार किया है, अपने बेटों को तैयार किया है रसूल के बेटे पे से कुर्बान करने के लिए। तो जनाब जैनब की जो मार्फत है वो भाई वाली नहीं है, वो रसूल के बेटे वाली है, हुज्जत खुदा वाली है, अली के फरजंद वाली है, फातिमा के फरजंद वाली है, और अब जनाब कर रही है। और क्या है कि बाज मकातिल में बयान हुआ कि अगर वो उनसे इसरार करना, उनपे से कुर्बान हो जाना, ऐसा ना हो कि वो पहले दुनिया से चले जाएं, सबकी ख्वाहिश ये है कि पहले हम कुर्बान हो जाएं हुज्जत खुदा पर से। एक वक्त आया कि कभी जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार गए, दिल ये कहता है कि जनाब जैनब की बारगाह में हाथ जोड़ के कहूं कि बीबी आपकी बेटी भी करबला में बेवा हुई, अब असीर भी होगी, किस तरह से पुरसा दें जनाब उम्मे कुलसूम बिन्त जनाब जैनब को। हाँ, एक वक्त आया कि जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार गए, जनाब जैनब के दामाद एक मुकाबला किया, और होगा वही था कि जो कवानीन का उस जमाने में तरीका था कि दू बदू एक एक करके मुकाबला हो, लेकिन हर दफा घेराव किया जाता था और इमाम हुसैन के तरफदारों को कत्ल किया जाता था। मकातिल में बयान हुआ कि इमाम हुसैन जनाब जैनब के फर्जंद गए मुकाबला किया, बाज जगह बयान हुआ कि जनाब ओन ने और 10 को एक ही वार में फन्नार किया, उसके बाद हर जानिब से हमला हुआ। अब रिवायात में नकल हुआ कि वो जैनब के जो हर दफा मक्तल में जाती थी लाशा उठाने के लिए, जब दोनों बच्चे कुर्बान हो गए तो जनाब जैनब खैमे में सजदे के आलम में है, और दिल ये कहता है कि वही दुआ कर रही है जो जिसमें अथर हुसैन पे कर रही होंगी, इलाही तकब्बल मिन्ना कुर्बान अल कलील। एक वजह मक्तल में बयान होती है कि हर शोहदा के वक्त जनाब जैनब गई, क्यों गई? कि भाई को तसल्ली दे सकूं, भाई की मदद कर सकूं। मकातिल में बयान हुआ कि जब जनाब अली अकबर के बरछी लगी, जब जनाब अली अकबर की रूह जिस्म
جسم سے نکلی اس سے پہلے کہ امام حسین پہنچتے جناب زینب گریا کرتے ہوئے پہنچی بنیا بنیا یا اخیا وابن اخیا اے میرے بھائی اے میرے بھائی کے بیٹے لیکن اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہ پہنچی بعض مخاطر میں بیان ہوا کہ شاید وجہ یہ تھی کہ حسین کے لیے جو میں نے قربان کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے حسین کی نگاہیں جھک جائیں اجرکم اللہ جناب زینب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کام کچھ کر رہی ہوتی تھی لیکن نگاہیں جناب امام حسین کی جانب ہوتی تھی اب ایک وقت آیا کہ حسین رنج میں جا رہے ہیں اون محمد کا اور قاسم ابن محمد جعفر تیار کا لاشا اٹھانے کے لیے سب لاشوں کو اٹھانے زینب آئی لیکن اپنے بچوں کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے زینب نہ نکلی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کے چہرے پہ ایک شکر کا ایک تشکر کا اظہار ہو جائے زینب خیمے میں رہی اجرکم اللہ 11 محرم آئے سرطن سے جدا ہو رہے ہیں ابھی بھی زینب نے اپنے بچوں کے لاشوں پہ اپنے آپ کو نہ گرایا وجہ یہ ہے کہ ارے میں ثانیہ زہرا ہوں میں حسین کی ماں ہوں دشت کربلا میں لیکن دل یہ کہتا ہے کہ زینب کے بیٹوں کے پاس کون ہوں گی زینب کے بیٹوں کے پاس فاطمہ تھی شاید وجہ یہ ہو کہ وہ کہے زینب تو فاطمہ بن کے حسین کے پاس بیٹھی ہے میں زینب بن کے اون محمد کے پاس بیٹھی ہوں بس مصائب ختم ہو گئے زینب نے اپنے بچوں کے لاشوں کو آغوش میں نہ لیا زینب نے اپنے بچوں کے سروں کو اپنی آغوش میں نہ لیا بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جب شام میں سر آئے تو زینب نے تو حسین کے سر کو تھام لیا کہنے والوں نے سوال کیا کہ ان بچوں کی کوئی ماں نہیں تو زینب نے کہا کہ ان کی ماں میں ہوں لیکن میں کیا کروں کہ میں حسین کی ماں بن کے حسین کے سر کو آغوش میں لیتی ہوں دل یہ کہتا ہے کہ اون محمد کا سر اس وقت فاطمہ کی آغوش میں ہوگا ماتم حسین